आपका नाम? डॉक्टर योगेश जिंदल। योगेश जी, अभी आगामी चुनाव आ रहे हैं 2022, और आप बात यहाँ से प्रोसेस शहर से जो है प्रत्याशी के रूप में आगे आ रहे हैं, इसको देखते हुए आपकी क्या तैयारी रहेगी? देखिए, तैयारी, पहली बात तो मैं प्रत्याशी नहीं हूँ। कोई भी कार्यकर्ता है, उसका चुनाव लड़ने की इच्छा होती है, ये निर्णय चौधरी जैन जी, उनको निर्णय करना है वो किसे चुनाव लड़ाएंगे। जिसे भी टिकट देंगे, हम हर जगह यही अपील कर रहे हैं अपनी मीटिंगों में कि हम उस कैंडिडेट के अंदर जैन चौधरी का चेहरा देखें। हम केवल हमारी दो आँखें भगवान ने दी हैं, दो आँखें हम एक निगाह रखेंगे जैन चौधरी पर, दूसरी निगाह रखेंगे हम अपने नल के ऊपर, बाकी बीच में कोई प्रत्याशी इस बात से मतलब नहीं है। जो भी होगा जैन चौधरी का रूप होगा, हमें उसको जिताकर भेजना है। तैयारी की जहाँ तक बात है, बहुत ज़बरदस्त तैयारी की जा रही है, और भारी वोट से कम 50,000 वोट से लोक दल कैंडिडेट बड़ो सीट पर विजयी होगा। क्या कुछ किसान आंदोलन जो है उसका असर पड़ेगा? नहीं, असर पड़ा है, किसान आंदोलन का असर सब जगह पड़ रहा है। किसान दुखी है, किसान के साथ व्यापारी जुड़ा हुआ है, हमारे क्षेत्र का व्यापारी किसान से जुड़ा हुआ है। अगर किसान के पास पैसा होगा तो व्यापारी के पास पैसा होगा। आप देखिए, जब से किसानों का पैसा नहीं है, 3-4 साल से बाजार के बढ़ोत के बाजार बंद, मतलब खाली से पड़े हैं, बाजार में भीड़ है, दुकानों पर कोई ग्राहक नहीं है, क्योंकि किसान ही हमारा खरीदार है। किसान ही आपका खरीदार है। आगामी 30 तारीख को यात्रा की बात की जा रही है, क्या कुछ कार्यक्रम रहेगा? 30 तारीख का बड़ा ज़बरदस्त कार्यक्रम किया जा रहा है, और ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद चौधरी जयंत सिंह, और उनको पगड़ी पहनाई गई थी 19 सितंबर में छपरौली में, उनको चौधरी का दर्जा दिया गया था अपने समाज का और पार्टी का, उस वो पहली बार बागपत में आ रहे हैं। एक ऐतिहासिक रैली होगी, जिसके लिए सभी गाँव में घूमा जा रहा है, गाँव को प्रेरित किया जा रहा है, और इस रैली को एक अलग रूप में लिया जा रहा है। जैसे कि राजनीतिक पार्टियाँ बसों गाड़ियों में अपनी उसको लेकर आती है वोटर सपोर्टर को, ये क्योंकि किसान की हमारी पहचान जो है, और रालोद की पहचान ट्रैक्टर ट्रॉली से है, तो इसमें पूरी जनता जो हमारे सपोर्टर आएंगे, वोटर आएंगे, गांव-गांव से आएंगे, वो सब ट्रैक्टर ट्रॉली के माध्यम से आएंगे, ताकि जो हमारी 15 साल पहली जो लोकदल की एक पहचान थी वो कायम हो सके, और ये दिखाई जा सके कि जो हमारे किसान जो किसान लोग भी है, और जो ग्रामीण मजदूर लोग भी है, वो सब लोकदल से उसी प्रकार जुड़ चुकी है जो 15 साल पहले जुड़ी हुई थी चौधरी लोकदल के साथ।